तो आप लोग भी सोलर की तरफ जाना चाह रहे हैं, बिजली के बिल से परेशान हैं, लेकिन आपके दिमाग में आता है सोलर सिस्टम में बहुत सारे पैसे हमारे खर्च हो जाएंगे। तो दोस्तों आज आपको बताने वाले हैं, आप बहुत सारे पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, थोड़े से पैसे खर्च आपको करने हैं और सोलर सिस्टम आपके यहाँ लगने वाला है। पीछे आप ये देख रहे हैं सोलर सिस्टम है, ये 1 KVA का इन्वर्टर है, नेक्सस सोलर एनर्जी का MPPT लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का 2024 का। उसके साथ में आप देख रहे हैं ये एक लेड एसिड बैटरी है सोलमैक्स की, जिसकी 60 महीने वारंटी यानी 5 साल वारंटी है, बराबर में 15 साल वारंटी की बैटरी भी है। पीछे आप देख रहे हैं एक 210 वाट का पैनल भी लगाया है मैंने और 580 वाट के भी पैनल लगाए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम बताने वाले हैं भाई सबसे कम बजट में, इतने कम बजट में कि आप नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी जितने पैसे में लाते हैं, कैसे सोलर सिस्टम की शुरुआत की जा सकती है। हर आदमी के पास बजट की दिक्कत होती है, आदमी चाहता है अभी मैं सोलर की तरफ जाना तो चाह रहा हूं पर मैं शुरुआत करनी चाह रहा हूं कम बजट के साथ। तो एक तो बहुत सारी जगह होता है जी मैं कहाँ फाइनेंस कराऊं, कहाँ लोन कराऊं। अब फाइनेंस लोन के लिए बैंकिंग के चक्कर मारे जगह जगह और दिखाएं, कोटेशन बनाएं, ऑडिट कराएं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हो जाती हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि बहुत थोड़े से खर्चे में आप अपने सोलर सिस्टम की शुरुआत कर सकते हैं और अपने 3-4 पंखे, लाइट, छोटा फ्रिज है, वाशिंग मशीन है, टुल्लू पंप है, इस प्रकार के लोड फ्री ऑफ कॉस्ट बिना बिजली के चला सकते हैं और एक बार लगा के कम से कम 40-50 साल के लिए टेंशन फ्री हो सकते हैं, क्योंकि पैनल की जो वारंटी है वो 30 साल होने वाली है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आप अंत तक रहना, अगर आपका भी इंटरेस्ट है और आप चाह रहे हैं कि नॉर्मल लोड है, छोटा एक सिस्टम लेना है, 1 KVA का सिस्टम आप परचेज करना चाह रहे हैं, तो इससे महत्वपूर्ण वीडियो आपको पूरी यूट्यूब पे, पूरी गूगल पे नहीं मिलने वाली है, जो डिटेल में आज मैं जानकारी देने वाला हूँ एक एक चीज की, कम से कम पैसे में आप कैसे लगा सकते हैं और क्या कीमत आपको पड़ने वाली है, कम से कम कितने इन्वेस्टमेंट से आप शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त विजय यादव, चैनल पर आप अभी नए हैं, अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि 700 से ज्यादा वीडियो हैं इस चैनल पे टेक्नोलॉजी संबंधित, नई बैटरी की, नए इन्वर्टर की, सोलर एसी की, लिथियम बैटरी की और जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सोलर के क्षेत्र में, एनर्जी के सेक्टर में आती है, सारी वीडियो इस चैनल पर आपको अवेलेबल है और होती रहेंगी। तो एक ट्रस्टफुल चैनल है, अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। और दोस्तों आते हैं अपने टॉपिक पर, देखिए इन्वर्टर देख रहे हैं और ये बैटरी देख रहे हैं। और दोस्तों अगर मैं ये कहूं कि इन्वर्टर बैटरी आपको मात्र 21,000 रुपए से भी कम में मिलने वाला है 1 किलोवाट, तो आपके सरप्राइजिंग बातें लगने वाली हैं। आज दोस्तों धनतेरस भी है, दीपावली का समय चल रहा है और धनतेरस पे हर व्यक्ति कुछ ना कुछ खरीदारी करता है, हर घर में चाहे छोटी सी चम्मच ही खरीद का है, कुछ ना कुछ खरीद के लोग लाते हैं। तो आज ये वीडियो होने वाली है महत्वपूर्ण, आप लोग भी चाह रहे हैं भाई कुछ खरीद के लाना है, तो मैं चाहूंगा आज के आज ही आप बुकिंग करा दें और आज के आज ही परचेज कर लें ये सिस्टम, कम से कम बजट का अपने घर में, चूंकि उजाले का त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार है, लक्ष्मी माता आएंगे आपके घर पे, मेरी ये शुभकामनाएं हैं। और आप रोशनी की चीज इस साल खरीदें अपनों बच्चों के लिए, चूंकि बिजली के बिल से भी छुटकारा मिलेगा, घर में उजाला आएगा, खुशहाली आएगी, रोशनी आएगी, तो ये सिस्टम ले सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं जैसे इन्वर्टर की हम बात करते हैं तो शुरुआत में बजट कम होता है जिन लोगों का, वो एक इन्वर्टर ले सकते हैं। इन्वर्टर तो भाई आपको लेड एसिड बैटरी के साथ भी लेना है, नॉर्मली घर में जब बिजली चली जाती है तो अभी आपके घर में इन्वर्टर बैटरी होगा। तो पहले फेज में आप क्या कर सकते हैं, एक इन्वर्टर बैटरी ले सकते हैं जहाँ बजट का इशू है। तो अगर इन्वर्टर की बात करते हैं तो इन्वर्टर है 9,400 रुपए प्लस GST का, और बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी आपको मिलने वाली है इस धनतेरस, ये 150 Ah की बैटरी है, 11,500 प्लस GST में, और ये ऑफर सिर्फ सीमित समय के लिए, चूंकि वीडियो आप बाद में देखेंगे, कमेंट करेंगे या फोन कॉल्स करेंगे तो हो सकता है इस रेट में आपको ना मिले, यानी कि 31 अक्टूबर तक सिर्फ ये ऑफर है, बाद में आप वीडियो कहीं देख रहे होंगे तो हो सकता है रेट कुछ परिवर्तन हो जाए, तो आप सेल्स मैनेजर से बात कर लेना। मैं जो रेट वीडियो बना रहा हूँ ये सिर्फ 31 अक्टूबर तक के लिए बना रहा हूँ। तो ये इन्वर्टर बैटरी आप ले लेंगे तो दोनों की कॉस्ट क्या पड़ जाएगी भाई, दोनों की कॉस्ट पड़ेगी 20,900 प्लस GST। अब GST क्या पड़ने वाली है, अगर ओनली इन्वर्टर बैटरी लेंगे तो आपका अलग अलग GST का रेशो है, लेकिन अगर आप सिस्टम के साथ जाएंगे तो 12% GST है। तो यहां आप छोटे से सिस्टम के साथ में लेके एक पैनल ले सकते हैं या दो पैनल ले सकते हैं, ये वाले कम बजट में आप जाना चाह रहे हैं तो दो पैनल ले सकते हैं, क्योंकि आपके यहाँ बिजली भी आप चाह रहे हैं कि दिन दिन में मेरा काम चलता रहे, रात के लिए मेरे यहाँ बिजली है तो मैं फिर दो पैनल ले लेता हूँ 210 वाट के। तो फिर जो ये सिस्टम है आपको इसमें 210 वाट के दो पैनल ले लेंगे और आप एक इन्वर्टर एक बैटरी ले लेंगे, तो इस बैटरी की जो वारंटी है मैंने बताया 5 साल है, और इन्वर्टर की जो वारंटी है आपकी 2 साल है, और जो पैनल है इसकी वारंटी है 30 साल है। तो ये दो पैनल आप ले लेंगे तो पूरा सिस्टम विद GST आपको पड़ जाएगा 39,872 रुपए में। एक सिस्टम तो ये हो गया, अब दूसरा सिस्टम
इस पैनल के साथ भी ये सिस्टम बन जाएगा। तो इस पैनल के साथ भी एक सिस्टम का रेट बता देते हैं आपको, भाई 1 किलोवाट पूरा पैनल लगा देते हैं, 1 किलोवाट से भी ज्यादा हो गया क्योंकि 580 वाट के 2 पैनल है, तो आपका हो गया, आपका पैनल हो गया 1160 वाट। पैनल के साथ भी आपको रेट बता देते हैं। देखिए इन्वर्टर तो हमने ये लिया 1 किलोवाट का ही, 1 KVA का इन्वर्टर है, यानी कि आपका 700 वाट तक का, 750 वाट तक का लोड पूरा चला सकता है मैक्सिमम। नॉर्मली आप 500-600 वाट लोड के लिए इसे ले, आपके 2 पंखे हैं 3 पंखे हैं, लाइट है, छोटा फ्रिज है, मतलब घरेलू नॉर्मल जो लोड होते हैं उसके लिए सफिशिएंट है, MPPT टेक्नोलॉजी है, तो इस पे आप 24 वोल्ट का पैनल भी लगा सकते हैं। तो आप ये इन्वर्टर ले लेंगे, मैंने जैसा बताया भाई 20,900 रुपए में तो इन्वर्टर बैटरी आपको ये मिली गया। उसके साथ में हमने 2 पैनल लिए हैं, नंबर 1 पैनल जो देश के नंबर 1 पैनल है, सबसे ज्यादा एफिशिएंट पैनल है, 580 वाट का पैनल है। इस पैनल के साथ में अगर हम लेते हैं 2 पैनल, 1 इन्वर्टर, 1 बैटरी, तो इसका जो रेट आपको पड़ने वाला है वो 59,785 रुपए विद GST विद टैक्स। और अभी अगर दिवाली तक आप लेते हैं तो ट्रांसपोर्ट भी आपको फ्री मिलने वाले, यानी आपके घर पहुंच के इतने पैसे में पहुंच जाएगा आपके घर पे ये सिस्टम। आपको अलग से कोई चार्जेस नहीं देना, नहीं ट्रांसपोर्ट का, नहीं कोई GST, नहीं कोई टैक्स। मैंने जो बताया अगर आप 580 वाट के साथ लेंगे तो 59,785 रुपए का, और अगर आप 210 वाट के 2 पैनल के साथ लेंगे तो 39,872 रुपए का, ये आप ले सकते हैं दोस्तों। अब इसे लोड क्या चला सकते हैं, एक तो ये क्वेश्चन रह गया। दूसरा क्वेश्चन होगा सर लिथियम बैटरी के बारे में आपने नहीं बताया, तो लिथियम बैटरी के साथ भी ये इन्वर्टर सपोर्ट है। लिथियम बैटरी के साथ लेना चाहते हैं तो लिथियम बैटरी की ये बैटरी है 100 AH की, आप चाहते हैं 100 AH, 200 AH, 300 AH, 400 AH या 80 AH, सारी लिथियम बैटरी अवेलेबल है। अब बहुत सारे पैक बनाऊंगा तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि 20 रुपए वाट में आपको लिथियम बैटरी मिलने वाली है। इन्वर्टर मैंने बताया 9,400 प्लस GST में इन्वर्टर, 20 रुपए वाट में बैटरी लगा लेंगे। अब जितनी आपकी एच की बैटरी लेंगे, अगर 100 H की लेंगे 12.8 में तो 1280 वाट हो गया, आप 200 H की लेंगे या 300 H की लेंगे या फिर आप 80 H की लेंगे, उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लेंगे। पैनल के मैंने रेट बता दिया आपको, पैनल जो आपको पड़ने वाला है अगर इस पैनल की बात करेंगे तो 7,350 रुपए प्लस GST में ये पैनल आपको मिलने वाला है 210 वाट का इस दिवाली तक, 31 अक्टूबर तक। और ये पैनल जो बात कर रहे हैं ये आपको मिलने वाला है 16,240 रुपए का एक पैनल। तो उस हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशन बना लेंगे। अब इस सिस्टम से फायदा क्या होने वाला है दोस्तों, इस सिस्टम से फायदा होने वाला है अगर आप ये पूरा सिस्टम ले लेते हैं तो फिर बिजली नहीं भी आएगी तब भी दिन के टाइम में तो कोई इशू आना नहीं, और रात के लिए ये बैटरी हो जाएगी आपकी। तो आपका जो नॉर्मल लोड है, जैसे नॉर्मल एक परिवार होता है उसमें 1 से 2 पंखे होते हैं, वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के लिए होती है तो सुबह 12 बजे से पहले आप अपने कपड़े वपड़े धो लेंगे, प्रेस भी करना है तो 12-1 बजे तक आप प्रेस कर लें अपनी, जो घर के बेसिक काम है कोशिश करें कि वो 1 बजे तक हम फाइनली कर लें। 1 बजे के बाद में 4 बजे तक धूप का टाइम होता है, उस टाइम में हमारी बैटरी को चार्जिंग मिल जाए जिससे हमारी रात में भी बैटरी काम करे। रात में है थोड़ा सा कंप्रोमाइज आपको जरूर करना पड़ेगा क्योंकि रात में हम जो बैटरी ले रहे हैं 150 H की ले रहे हैं, और सोलर का जो टाइम है वो लगभग 4-4:30 बजे के बाद में सोलर का जनरेशन बहुत कम होता चला जाता है दोस्तों, 5 बजे तक जाते जाते लगभग खत्म हो जाता है। अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है तो आपको पूरी रात लगभग 15 घंटे की रात हो जाती है, उसमें चलाना है तो आपको एक पंखा चलाना है, लाइट जलानी है या कुछ ज़रूरी चीज़ें चलाने हैं, तो उस हिसाब से आप अपना रात का बैकअप, चूंकि ये बैटरी है ये आपका लगभग 1300-1400 वाट तक का बैकअप आपको दे देगी, 1200 से 1300-1400 वाट तक का बैकअप आपको दे देगी, यानी एक पंखा है, लाइट है, इस प्रकार का लोड पूरी रात चला देगी। तो रात में थोड़ा सा कंप्रोमाइज आपको जरूर करना पड़ेगा अगर छोटे सिस्टम के साथ आप जाते हैं, और अगर आपका थोड़ा सा बजट अच्छा है तो फिर आप बड़े सिस्टम भी ले सकते हैं, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट जरूरत के हिसाब से। तो दोस्तों चूंकि एक आम उपभोक्ता को कम जरूरत होती है, और जहां थोड़ा बहुत बिजली भी है तो वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली, जहां बिजली नहीं है वहां थोड़ा सा रात के टाइम में आप कंप्रोमाइज करेंगे, दिन में सारे काम करता रहेगा, आप टेंशन फ्री होने वाले हैं। 30 साल की पैनल की वारंटी है, एक बार लगाने के बाद में 50-60 साल के लिए टेंशन फ्री होने वाले हैं। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा भाई, इस धनतेरस आप प्रोडक्ट खरीदना है, कुछ ना कुछ तो खरीद के लेके आना ही है, तो क्यों ना ऐसी चीज खरीद के लाए जो हमारे बच्चों के लिए भी वैल्यू एडिट करे, हमारे बिजली के बिल को भी कम करे, और इस रोशनी के त्यौहार पे अपने घर में परमानेंट रोशनी हम ले आए, क्योंकि सूर्य देवता हमें फ्री में एनर्जी दे रहे हैं और हम बिजली बिल पे अपने पैसे खर्च कर रहे हैं। तो दोस्तों एक ही निवेदन है इस दिवाली के टाइम आपसे, अगर आप लोगों को भी अपने देश की टेक्नोलॉजी से, अपने देश से प्यार है, अपने नेचर से प्यार है, तो इस वीडियो को अभी कभी शेयर कर दें, क्योंकि सोलर लगाने से क्या फायदा होने वाला है, हमारी जो नेचर है, हमारी जो प्रकृति है उसको भी बेनिफिट मिलेगा, हमारे देश में जो पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन आप देख रहे हैं दीपावली के टाइम पे ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है हमेशा, चूंकि हम किसान व्यक्ति हैं, वो पराली में भी कहीं आग लगाते हैं, कहीं मौसम के अंदर भी इस प्रकार का एटमोसफेयर हो जाता है। तो भाई हमें आगे अपनी आने वाली जनरेशन के लिए
मौसम को पोल्यूशन को कम करना है तो सोलर की तरफ आना है। और अगर आप 1 किलोवाट सोलर सिस्टम भी लगाते हैं तो समझिए आपने 10 पौधे लगा दिए, यानी 10 पौधे जितना आपके एटमॉस्फेयर को अच्छा करते हैं उतना आपने काम कर दिया। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और इस वीडियो को शेयर कर दें अगर देश से प्यार करते हैं तो।